आज मंडे के दिन सुबह से गवर्नमेंट निजामिया तबी कॉलेज के स्टूडेंट्स हंगर स्ट्राइक यानी भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। पिछले एक हफ्ते से इनका मूवमेंट चल रहा है इनके डिमांड्स को ले के। आज हम इन लोगों से बात करेंगे और इनके डिमांड्स क्या है, इनका मूवमेंट क्या है, वो उनसे पूछेंगे। वालेकुम अस्सलाम। हम लोग एक हफ्ते से लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट निजामिया तबी कॉलेज में, और आज सुबह से हम लोग हंगर स्ट्राइक पे है और हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं हमारे यूनानी सिस्टम के इक्वालिटी के लिए, लेकिन अब तक भी कोई भी रिस्पांस नहीं आया किसी के पास से, ना कमिश्नर मैम कुछ बोले और ना ही कोई हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं। सो वी नीड जस्टिस फॉर दिस, वी आर आल्सो डॉक्टर्स, वी नीड इक्वालिटी। जी, पूरे स्टूडेंट्स कर रहे हैं हंगर स्ट्राइक। जी हाँ, पूरे स्टूडेंट्स हंगर स्ट्राइक। सुबह से कुछ भी नहीं खाया? जी हाँ, कुछ भी नहीं खाया। मेरा नाम डॉक्टर जुबेर आलम है, मैं यहाँ पर हाउस सर्जन हूँ। लास्ट तो आप लोग हाँ रात के टाइम पे बारिश में सुबह से अब तक खाली भूख हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हुए आप लोग? देखिए, NHM की तरफ से जो स्कीम आई है, एक हफ्ते से हम यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तमाम मीडिया चैनल्स में इसकी बात आने के बावजूद भी इस पर कोई रिएक्शन ना होना, इसको ना सुनना, अनसुनी करना, ये बताता है कि उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम यहाँ पर हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं सुबह से। अभी तक यहाँ पर बच्चे बहुत से बच्चों मतलब गिडीनेस की शिकायत हो चुकी है ऑलरेडी। बहुत से लोगों को यहाँ से शिफ्ट किया गया है, उनको क्लिनिक्स पर लेके गया ले जाया गया है, वहाँ पर उनको IV फ्लूइड्स वगैरह लगाए, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसी तरह से रहेगा तो बच्चों को अगर कुछ होता है तो इसकी ज़िम्मेदार गवर्नमेंट रहेगी। मैं डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम, PG फाइनल ईयर, ये सेम इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट हूँ मैं। कंटिन्यूसली एक हफ्ते के स्ट्राइक के बाद, कंटिन्यू एक हफ्ते के रिप्रेजेंटेशन के बाद भी गवर्नमेंट और स्टाफ का, एडमिनिस्ट्रेशन का कोई रिस्पॉन्स नहीं आना, ये काबिल शर्म की बात है। अब तकरीबन 6 दिन के बाद के स्ट्राइक, डे टाइम स्ट्राइक के बाद बच्चे, अभी स्टूडेंट्स, इसमें पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स भी है, डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट्स भी है, हॉस्टलर्स भी है, सब स्टूडेंट आज हंगर स्ट्राइक कॉल करे, करने के बाद भी डिपार्टमेंट का कोई एक्शन नहीं है। आप देख सकते हैं टेंट पर गिर गया, तकरीबन 2 घंटे से बारिश, 2-3 घंटे से बारिश के बाद बच्चे भीगते हुए वहाँ पर स्ट्राइक किए, उसके बाद फिर जगह नहीं रहने की सूरत में ऐसे ओपन प्लेसेस में पूरे डॉक्टर्स यहाँ बैठे हुए, उसके बावजूद भी कोई इसका रिस्पॉन्स नहीं रहना, ये काबिल शर्म की बात है। और इसमें कई बच्चे, सुबह से 2-3 बच्चों को बाहर शिफ्ट किया गया जो गिडीनेस का शिकार हुए थे, फिर भी अब हालांकि पेरेंट्स का अभी इसमें जज्बा बहुत काबिल तारीफ है जो बच्चों को यहाँ भेजे। अब ये लोगों का फ्यूचर का सवाल है, ये मेरे आपके सबके नहीं, एक टोटल सिस्टम का फ्यूचर का सवाल है। अभी अब पूरी रात में बच्चे यहीं बैठेंगे, इसका जिम्मेदार कौन है? हमने कल सुबह में हम लोगों को स्टाफ से, एडमिनिस्ट्रेशन से, गवर्नमेंट से कुछ तो कोई रिस्पॉन्स आना ज़रूरी है हम लोग, वरना कल कंटिन्यूसली हम लोग कल भी बैठेंगे और ये मतलब ये कंटिन्यू इसका स्ट्राइक का कंटिन्यू रहेगा हम लोग का, मतलब अनकंडीशनल स्ट्राइक है ये। और कल बारिश, अभी बारिश हो या कल हो, हम तो बारिश धूप वगैरह कुछ देखेंगे नहीं, कंटिन्यूस को जारी रखेंगे। देखिए, एवरी मेडिसिन हैज इट्स ओन इम्पैक्ट एंड रिलेवेंस इन एवरी एरा एंड एवरी सेंचुरी। पहले ज़माने में ये होता था कि इसको जिस तरह से पेश किया जाता था वो डिफरेंट था। आज मॉडर्न तरीके से इसके पिल्स बन रहे हैं, इसके टैबलेट्स बन रहे हैं, इसकी सिरप्स बन रहे हैं, हर तरह की दवाएं अवेलेबल है और इसका रिलेवेंस है। और उसकी एग्जांपल ये हमारा हॉस्पिटल है। अगर आप यहाँ देखेंगे तकरीबन 400 बेडेड हॉस्पिटल है। अगर आप जाके अभी भी IP पेशेंट्स देखेंगे तो वहाँ पर 150 से ज़ायद पेशेंट्स और सेरेब्रल पाल्सी, फेशियल पाल्सी, फालिज के यहाँ पर मरीज़ आपको मिलेंगे। और मैं चैलेंज के साथ ये कहना चाहता हूँ कि आपको इस तरह के मरीज़ ना गांधी हॉस्पिटल में मिलेंगे, ना उस्मानिया हॉस्पिटल में मिलेंगे। अच्छा, उस तरह के ऐसे सीवियर केसेस, सेरेब्रल स्ट्रोक के केसेस आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो ये बात बताती है कि देर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट द रिलेवेंस, इट्स अबाउट द साइड लाइनिंग ऑफ यूनानी सिस्टम, दैट्स इट। ये एक तासुब इसको कहेंगे या फिर इसको एक तरह का वो के मतलब गवर्नमेंट की इसको इग्नोरेंस है, इसको आगे ना बढ़ाने के लिए वही ये बात सामने आती है। जी, तो पिछले एक हफ्ते से क्या क्या हुआ? आप लोग लास्ट मंडे से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये एक और मंडे आ गया और अब आज आप लोग हंगर स्ट्राइक पे बैठ गए, तो आप शुरू से सुनाइए कि अब प्रोटेस्ट शुरू करें जब से, अथॉरिटीज़ का क्या रिस्पॉन्स आप लोगों को? फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले हमारी अथॉरिटीज़ को ही नहीं मालूम था कि इस तरह की नोटिफिकेशन है, दे आर बिजी इन देयर ओन वर्क एंड ए ओन ड्यूटीज़। बट जब मालूम हुआ कि बच्चों ने इस तरह के प्रोटेस्ट को स्टार्ट किया तो वो कह रहे हैं कि इस तरह की नोटिफिकेशन आई है तो बहुत बुरी बात है। तो पहले बात वही, इस ताल्लुक से अनअवेयर थे, लेकिन जिस तरह से बात आगे चली है तो सब लोगों को मतलब इस बारे में नॉलेज हासिल हुई और इसके लिए उन्होंने सरगर्म आहिस्ता आहिस्ता हो रहे हैं, लेकिन बहुत
शर्म की बात है कि अथॉरिटीज़ भी अगर इस तरह से अनअवेयर रहेंगे तो सिस्टम का क्या होगा। आज शुरू हुआ आप लोगों का हंगर स्ट्राइक, कितने दिन चलने वाला है ये? हम तो अनडिक्लेयर्ड हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं, देखेंगे अगर जब सिस्टम के साथ इस तरह से होता है तो डॉक्टर्स के लिए कोई गारंटी जॉब, मतलब जॉब ओरिएंटेड कोई चीज़ है नहीं, तो फिर ये पढ़कर सारे पाँच साल हम यहाँ पर तालीम हासिल करने के बाद इस तरह के डिलिब्रेट एफर्ट्स लगाना सिस्टम को साइडलाइन करने के लिए, दिस इज़ समथिंग वेरी रॉन्ग अगेंस्ट दी प्रिविलेज ग्रुप दैट एंड सोसाइटी में एक इम्पैक्ट रखने वाले डॉक्टर्स के साथ इस तरह से होता है। तो हम ये चाहते हैं कि अगर इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा तो हम इस स्ट्राइक को कंटिन्यू रखेंगे। मेरे पीछे जो आप ये टेंट देख सकते हैं, पहले यहाँ पे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, फिर जब तेज़ बारिश शुरू हुई तो स्टूडेंट्स थोड़ी देर यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे, फिर टेंट गिरने के बाद पीछे के साइड चले गए। और स्टूडेंट्स का ये कहना है कि गवर्नमेंट एक साजिश के तहत यूनानी और होम्योपैथी को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है, उसी के खिलाफ इनका एहतजाज है। आज से इनका हंगर स्ट्राइक शुरू हुआ और हम देखते हैं कि कब तक ये चलता है और गवर्नमेंट इनके हंगर स्ट्राइक को कैसा रिस्पॉन्ड करती है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द सियासत डेली। दिस इज़ उसामा हज़ारी साइनिंग ऑफ।